आज का विशेष कवरेज मिथिला से और देश की राजधानी दिल्ली से मैं विशेष कवरेज ला रहा हूं आप सभी के लिए। आपको बता दें कि मधुश्रावणी पूजा का आज अंतिम दिन है और कहीं ना कहीं जो लड़कियां नवविवाहित होती हैं उनके लिए खास दिन होता है। और जानते हैं कुछ लोगों से आज के दिन के बारे में और आज का जो इतिहास है, आज का क्या महत्व है उसके बारे में। लेकिन इस चैनल पर बने रहिए, पूरा कवरेज जरूर देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं आगे विशेष कवरेज। ये जो अभी आप लोगों ने मधुश्रावणी पूजा किया है इसके बारे में जरा बताएं कि क्या हो रहा है इस जगह पर, घर में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इस विधि व्यवहार के बारे में जरा बताएं। ये समाज की सारी औरतें इकट्ठा होती हैं, ये सुहागनी का पूजा है, इसमें सुहागनी साड़ी आती है, लड़कियां को 16 श्रृंगार करके जैसे शादी के दिन सजती है समरती है वैसे 16 श्रृंगार करके सजाया जाता है। देश विदेश में जहाँ रहते हैं दूल्हा वो भी आते हैं, उनको भी पूरी एकदम जिस तरह से शादी के दिन सजाया जाता है उसी तरह से सजाया जाता है। और सारे पूजा विधि जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जितने भी पहले पूजा सारे संपन्न होते हैं, फिर पूजा समापन होने के बाद फूल छींटने का काम होता है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वीडियो में, वो समापन होने के बाद फिर चुमान होता है, दुर्वाक्षत होता है, फिर सिंदूरदान होता है, उसके बाद में ये टेमी का प्रथा जो है वो होता है, वो विधि कड़ी करती है। लड़के दुल्हा जो है वो पान के पत्ते और पान के पत्ते होते हैं उसे आंख ढकते हैं, सारी सुहागना से समर के आती है और पूजा पूरे पूरे समाज को बुलाया जाता है, पूरे समाज आते हैं, सारे समाज में रीति रिवाज के साथ होता है। लड़कियां को 16 श्रृंगार करके जैसे शादी के दिन सजा के ये दूल्हा भी सजते हैं, और जो भी पूजा का जितना भी सामान है, चाहे वो नाग देवता हो, गौरी बना के आता है, या चनाई की डाली हो, चनाई की दही हो, लीली मोनी हो, सारे सामान जो है ससुराल से ही आता है। लड़की का 16 श्रृंगार का वस्त्र, सिंदूर, हर एक चीज, खाने तक का भी सामान, चाहे वो खीर बनता है या जो सुहागिन भोजन करती है लास्ट में, फिर चना वितरित होता है, ये सब सारा लड़की के ससुराल से आता है। तो इस दिन पूरे जो रिश्तेदार होते हैं उनको निमंत्रण देके बुलाते हैं, बुलाते हैं। इसमें दिन सुहागनों को भोजन कराया जाता है खीर से, मीठा से। नहीं, जो लड़की के जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी बुलाते हैं आप लोग? हाँ, लड़की के रिश्तेदार को भी बुलाते हैं, सारे आते हैं समाज में। और ये जो महिलाएं बैठी हैं घर में, ये कहाँ से आती हैं? जो महिलाएं मतलब गांव समाज की भी है? गांव समाज की आती हैं, दूर रिश्तेदार के भी आते हैं। और इस दिन जो लड़की के ससुराल से जो सामान आते हैं, सारे पार्टी शार्टी का जो भी होता है वो सारा सामान लड़की के ससुराल से ही आता है, कुछ ज्वेलरी भी आता है लड़की के लिए उस दिन। इस दिन सुहाग मथनी का भी एक प्रथा होता है, और पहले लड़कियों को सुहाग दिया जाता है। कहते हैं कि पहले ये गणेश जी ने इसका प्रचलन किया था, गणेश जी पार्वती की आज्ञा लेकर के सुहाग मथने का काम किया। आपने सुहाग मथने की बात की, मथना मतलब क्या? सुहाग मतलब? सुहाग मथने उसमें धान, धनी, बेल का पात, आम का पात, नीम का पात, ऐसे कुछ करके उसमें कुछ कलर सिंदूर डाल के और सुहाग मथते हैं। कहते हैं कि गणेश जी ये सुहाग मथे थे और सारे सुहागनों में वितरित किए थे, जो जैसे मतलब जिसका जो कर्म है, जो कर्म मतलब जिसका जो काज है, वर्क है, वो अपने पूरी निष्ठा के साथ करेगी तो उसके घर में जो है सारा सौभाग्य बना रहेगा, इसके लिए गणेश जी ने सुहाग वितरण किया था। तो इस दिन भी सुहाग लड़की के माँ, चाची, मौसी, दादी जो होती हैं सुहागी वही मारती हैं। सुहाग मथने का सबसे पहले लड़की को देते हैं, और जितने भी सारी औरतें आई हुई रहती है गाँव से, रिश्तेदार, समाज, सारे सुहागियों को वो सुहाग वितरण किया जाता है। सभी अंचल में अपना सुहाग लेते हैं, उसके बाद आप जो देख रहे हैं पीछे जो ये टेमी का प्रथा जो चल रहा है, बिधकरी ये टेमी करती है, लाल कपड़े का टेमी बना हुआ रहता है। बिधकरी क्या होता है? बिधकरी जो आपने बताया वो? जो सारे शादी में जो बिध करते हैं, सारे लड़के का जैसे परीक्षण होता है ये सब करते हैं। किसी महिलाओं को बनाया जाता है मतलब? हाँ, किसी महिलाओं को बनाया जाता है, जैसे लड़की का बुआ, चाची, दीदी, बहन, भाभी होते हैं, तो वैसे भी यहाँ भी भाभी बनी हुई है बिधकरी, जो बिधकरी बिध कर रही है। और इसके बाद टेमी के बाद जो है सो महिलाओं को भोजन कराया जाएगा, मीठा, खीर, मिठाई, और उसके बाद सारे महिलाओं में चना वितरण किया जाएगा सारे सुहागनों को। अच्छा, इसमें पूरे दिन लड़की व्रत करती? हाँ, है लड़की इसमें पूरे दिन व्रत करती है, दूल्हा भी व्रत करता है और बिधकरी भी व्रत करती है, और जो सुहाग मती है वो भी व्रत करती है। और इसमें जो है खास करके नाग देवता का पूजा होता है। ये बताएं कि पूजा होने के बाद ये भी है कि शायद समाज को पूरा खिलाया जाता है, ऐसा कुछ भी है? हाँ, समाज को भी भोजन कराते हैं, रिश्तेदार को भी, लेकिन जो जिसको भी भोजन कराते हैं सारा लड़की के ससुराल से ही आता है। चलिए, अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा से डिटेल्स कहा। क्या नाम हुआ आपका? ममता ठाकुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नानी को